तो बजट किस प्रकार का है, कैसे है, किस पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो उसका बारे में मैं संक्षेप में बोल दूंगा। तो ये जो बजट है, इसका मूल जो फिलोसफी है विश्वास, यानी कि ट्रस्ट। हमारा लोगों पे विश्वास और लोगों का हम पे विश्वास, ये ट्रस्टिंग ईच अदर, तभी डेवलप होगा, तभी एक हम हैप्पी सोसाइटी का एक हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लाने सकेगा। तो इसलिए हमारा जो मूल मंत्र है, जो फिलोसफी है, ट्रस्ट विश्वास। और हमारा जो बजट है, जो ये जो बजट है, ये 6 पिलर पे आधारित है। और ये जो 6 पिलर क्या है, ये जो 7 जो आपका भारत सरकार का जो 7 7 जो सप्तऋषि जो प्रायोरिटीज सेक्टर है, उस पे आधारित है, ताकि हम एक हैप्पीनेस सोसाइटी का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकें। पिछले साल हमारा बजट 2022-23 वो था ईयर ऑफ ई गवर्नेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इस साल का हमारा बजट 2023-24 ये है आत्मनिर्भरता, फुलफिलिंग द यूथ एस्पिरेशन एंड क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। इस साल का बजट आप सभी को मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्राण का बात बोला था, यानी कि 5 प्रतिज्ञा। 5 प्रतिज्ञा में मोदी जी ने कहा था कि एस्पिरेशन, 1 नंबर है लोगों का एस्पिरेशन। अगर हमको 2047 में पूर्ण विकसित होना है भारतवर्ष को, एंड वी विल नॉट यू नो कॉम्प्रोमाइज, हम डेवलपिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, हम पूरा फुल्ली डेवलप नेशन। तो उसके लिए क्या चाहिए, वी हैव टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीस, जो लोगों का आशा आकांक्षा को फुलफिल करना होगा। और उनमें से 500 में मैं नहीं बोलूँगा, और एक है कि इतिहास, जो हमारा हेरिटेज है, संस्कृति है। तो हम भी, हमारा जो इस साल का जो आत्मनिर्भर फुलफिलिंग द यूथ एस्पिरेशन, वही है, हम लोगों का एस्पिरेशन फुलफिल करेंगे इस बजट से, स्पेशली जो युवक युवतियों का, नौजवानों का। और हम लाइवलीहुड लेंगे उनको थ्रू एम्प्लॉयमेंट और जो अपॉर्चुनिटी, ये हमारा है जो इस साल का जो 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 बजट है। और हमारा विजन जो है, हमारा दूरदृष्टि जो है, हमारा रोड मैप भी उसी तरह है। हमारा विजन 2047, उसी से साल साल में हम उसी से जाएगा। जो नरेंद्र मोदी जी का जो विजन 47 है, अमृत काल चल रहा है अभी। अमृत काल यानी कि अनदर 25 ईयर, यानी कि इंडिया एट 100, तब पूर्ण विकसित। पूर्ण विकसित में हम क्या कंट्रीब्यूट कर पाएगा नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को। हम भी धीरे धीरे उसी प्रकार से, उसी लाइन पे, उसी विजन में हम अरुणाचल सरकार जा रहा है। आप लोगों को मालूम है पिछले 6 साल से कितना अरुणाचल में विकास आया है, रोड सेक्टर में हो, एयरवेज सेक्टर में हो, या आपका रेलवे कनेक्टिविटी में हो, या हाईवेज में हो। अभी हम रिवर में, इसमें आपको देखा होगा इस बजट में हम रिवर्स में इंडियन वाटर, अरुणाचल पुराना जमाना से रिवर वेज कनेक्टेड था, अभी डी लिंक हो गया है। हम उसको फिर पुनः लिंक करना चाहेंगे। हमारा लोहित जिला, हमारा जो ईस्ट सियांग जिला, सुबनसिरी, दिबांग वैली, रिवर से कनेक्टेड था, रिवर से ट्रांसपोर्ट चलता था। तो इस साल हम फिर रिवर वेज को लाने के लिए कोशिश कर। तो हमारा जो नरेंद्र मोदी जी का जो 5 तत्व है,
हाईवे, रेलवे, एयरवेज, हाईवेज एंड रिवरवेज, ये रिवरवेज भी हमारा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस साल का बजट में हम ये भी लिया है। इतिहास देखिए, हमको विकसित होने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होने से नहीं होगा, सोशल सोसाइटी भी विकसित होना है, तो सोसाइटी को भी आगे ले जाना है। तो सोसाइटी कैसे आगे जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा? आप अगर अपना जो संस्कृति है, संस्कृति को बचा के रखेगा, संस्कृति में विकास लाएगा, तभी होगा। हम तो इसलिए हम जो अभी जो गुरुकुल स्कूल्स है, जो अपना जो इंडिजिनियस जो सिस्टम है, उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारा इस बजट में भी काफ़ी हम रूम रखा है। तो इसीलिए पूरा विकास होने के लिए सब चीज़ का दरकार। और हमारा हिस्ट्री, अभी तक हम इतिहास, अपना इतिहास को मालूम नहीं था अभी तक, अपना फॉरगॉटन हिस्ट्री को मालूम नहीं था। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव ने हमको मौका दिया गया है कि हमारा जो फॉरगॉटन हिस्ट्री, उसको इकट्ठा करके लोगों को सब दे, लोगों को जानकारी दे। तो इसलिए हमने उस पर रिसर्च करके अभी 2222 अनसंग हीरो को हम लोग लाया है, एक डॉक्यूमेंट भी बनाया है उस पर। तो इस तरह का जो है हमारा फॉरगॉटन जो हिस्ट्री है, उस पर भी लाया, उसको हम स्कूल करिकुलम में भी पढ़ाएगा उसको। तो इस तरह का जो हमारा पुराना हिस्ट्री है, अपना जो इतिहास है, इतिहास के बारे में भी इस उसमें है। और एक है बॉर्डर एरिया। हमारा सिर्फ अरुणाचल प्रदेश एक विशाल एरिया है, थिनली पॉपुलेटेड, बट इट्स ए वेरी बिग एरिया। यू हैव टू सी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इच एंड एवरी सिटीजन लिविंग विद इन द अरुणाचल प्रदेश। सो हमारा पहाड़ी इलाका में विकास अभी धूमधाम से गया नहीं। हम चाहता है कि विकास वहाँ भी धूमधाम से जाए। हम चाहता है कि हमारा जो अभी तक माइग्रेशन होगा, रिवर्स माइग्रेशन हो। तो रिवर्स माइग्रेशन के लिए अभी हमारा इंटीरियर एरिया में रोड कनेक्टिविटी जा रहा है, हमारा बॉर्डर इल्यूमिनेशन हो रहा है, वहाँ में स्टैंड अलोन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ले रहा है, 2-3 अभी हो गया है, और पाइपलाइन में जो है वो चल रहा है। इस तरह का हम कदम लिया है जो बॉर्डर एरिया के लिए। अभी बॉर्डर एरिया के लिए, फ्रंटियर हाईवे के लिए 44,000 करोड़ का व्यय होगा, अभी शुरू होगा। तब बॉर्डर एरिया में फ्रॉम तवांग टू आपके विजयनगर तक रोड बन जाएगा। तो इस तरह का हमारा प्रयास है, इस तरह का हम एक बजट बना रहे, इस तरह का हम रोड मैप बना रहा है कि पूर्ण विकास के लिए, पूरा विकास के लिए। और नेशनल जीडीपी में हम जीडीपी को हम कंट्रीब्यूट करने के लिए, आज हम मॉडल विलेज बना रहा है, फिर सीओ हेडक्वार्टर को, ईएसी हेडक्वार्टर को, एडीसी हेडक्वार्टर को कनेक्ट करने के लिए भी हमारा प्रयास है। हम इस बजट में कहा है कि हमारा जितना भी अनकनेक्टेड एरिया है, सीओ हेडक्वार्टर है, ईएसी हेडक्वार्टर है, एडीसी हेडक्वार्टर, और गाँव में दूर दराज है। आज कितना अच्छा एक हमारे लिए एक उपभोग है, जो टाली में सड़क नहीं जा रहा था अभी तक टाली में सड़क नहीं जा, टाली में आदमी नहीं था, अभी धीरे धीरे टाली में वापस जाएगा आदमी, सड़क हो गया है, ब्रिज हो गया है, अभी टाली में, टाली का और आगे भी हमको कनेक्टिविटी देंगे। विजयनगर 21st सेंचुरी तक 60s में वो लोग बसा है, अभी तक हम सड़क दे नहीं पाया, आज हम सड़क से कनेक्टिव कर रहे हैं। तो वहाँ टूरिज्म बहुत आएगा, टाली में टूरिज्म बहुत जाएगा। इस तरह का हमारा जो बजट में जो है आयोजन हम ले रहा है, जो 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 है टू फुलफिल, दीज आर दी फ्यू ऑफ दी स्टेप फॉर विच वी आर फुलफिलिंग दी एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, स्पेशली यूथ। आत्मनिर्भर किसको कहते हैं? आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, आत्मनिर्भर ये आपका बागवानी योजना, कृषि में हम, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, दिस इज कॉल्ड लाइवलीहुड, फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब गिवर,
we want to make the people of Arunachal Pradesh, youth of Arunachal Pradesh, from job giver or job seeker to the job giver. हमारा GSDP अगर लिया जाए, अभी का जो GSDP है 38,000 mark, it has reached almost 38,000 mark. 2015-16 का GSDP और अभी का GSDP लेने से अब almost double है. उस समय शायद 22 कितना था, अभी almost double है. और हमारा share of capital expenditure, total outlay, जो हमारा जो annual total outlay है उसका share of central tax, जो capital expenditure है 30% है, highest in the country, highest in the North East and highest in the country. तो इस तरह का जो है पर कैपिटा इनकम, हम पिछले लास्ट सिक्स ईयर्स में हम 30% राइज हुआ है हमारा पर कैपिटा इनकम. तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू सरकार में काफ़ी प्रो पीपल, हाँ, प्रो यूथ, प्रो महिला जो प्रोजेक्ट ले रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर मेन चीज़ है अरुणाचल प्रदेश में, इंफ्रास्ट्रक्चर आना है. हम कोशिश ये करेगा कि आने वाले समय में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. आज होम स्टे चाहिए, होटल चाहिए, रिजोर्ट चाहिए, तो ये सब होना है तभी तो टूरिस्ट आएगा. देखने में तो बहुत सुंदर है अरुणाचल, क्यों आएगा, कहाँ रहेगा, तो उसके लिए भी हम काफ़ी प्रबंध रखा है इस बजट में. तो इसी तरह का हम जो है हमारा रोड मैप जो होगा अभी से उसी रोड मैप में जाएगा कि ताकि पूरा विकसित, हाँ, व्हेन वी रिच 100 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस वी शुड बी टोटली जो सी डेवलप्ड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. और मैं तो कहूँगा इन द एंड आवर बजट 2023 इज फुलफिलिंग द एस्पिरेशन ऑफ द यूथ एंड लाइवलीहुड जनरेशन थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वाइल कंटिन्यू विद आवर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी विल बी द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्परस एंड हैप्पी अरुणाचल प्रदेश इन द अमृत काल ready to contribute to Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi's vision of $5 trillion economy and become a developed state of a developed nation. This will be our roadmap. And with this roadmap, with this vision, we are going ahead. Every year we will be going ahead. Thank you very much. Deputy Chief Minister of Finance has mentioned here, our GSDP for the year 2022-23 has been assessed at ₹37,870 crores. जो कि अगर हम कंपेयर करें 15-16 फाइनेंशियल ईयर 15-16 में ये था 20,353 करोड़. सो दिस इज़ एन 86% इंक्रीज इन द लास्ट सिक्स ईयर्स, ऑलमोस्ट डबल. और GSDP जिसके बेसिस पे बजट बनाया जाता है उसका असेसमेंट मैंने कहा 37,870 करोड़ है, विच ओवर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 जिस समय 21-22 का GSDP लिया गया था उससे ये करीब 850 करोड़ ज़्यादा है एक ही साल में, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 850 करोड़ विच इज़ अबाउट 848 करोड़ ज़्यादा है. इस GSDP को देखते हुए इस साल का बजट का जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स है वो होगा 29,657.16 करोड़. और जो हमारा एक्सपेंडिचर जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो होगा 29,582.18 करोड़. सो द डिफरेंस आफ्टर डिडक्टिंग रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स एक्सेट्रा, GSDP के हिसाब से हमारा FRBM लिमिट कहता है 3% तक फिस्कल डेफिसिट होना है. सो दैट हैज़ बीन पैक्ड एट 2% ऑफ GSDP फॉर द ईयर 23-24 एज अगेंस्ट दी 2.2% फिस्कल डेफिसिट विच वॉज केप्ट फॉर द ईयर 22-23. और ये 2% GSDP का हिसाब से अगर हम फिस्कल डेफिसिट करेंगे तो नंबर्स में ये 758 करोड़ होता है. और कोई सवाल? लगभग 800 करोड़ का
लास्ट ईयर का बजट का जो रेवेन्यू रिसीट्स था वो 26,111 करोड़ था, इस बार का जो है 29,000 लाइक आई सेड 657.16 करोड़। लास्ट ईयर से इस ईयर का अगर आप हिसाब लगाएंगे करीब 14% एनहांसमेंट, 29,657 माइनस 26,111 सब सेक्टर्स को, जैसे साहब ने कहा है ओवरऑल डेवलपमेंट सब सेक्टर्स पे फोकस है। इस साल का फोकस है यूथ, मीटिंग यूथ एस्पिरेशंस, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो हमारा जो एलोकेशंस अगर आप देखेंगे, ये अभी वेबसाइट लॉन्च हुई है, यू कैन एक्सेस द वेबसाइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक सर्विसेज एंड देन एजुकेशन एंड देन एग्रीकल्चर एंड अलाइड, इस सब पे ज़्यादा फोकस है। बहुत सारे एलोकेशन बढ़े हैं, जैसे आत्मनिर्भरता के जो वर्टिकल्स है, 5 वर्टिकल्स, उसमें पिछले बार 310 करोड़ था, इस बार 375 करोड़ है, एक और नया वर्टिकल ऐड हुआ है 25 करोड़, सो 400 करोड़ टोटल एलोकेशन। इसी तरह से अगर आप जो हमारा कनेक्टिविटी में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन रेवेन्यू इन द सेंस कि मैंने बताया कि 29,657.16 स्टेट ओन रिसोर्सेज SOR 3,035 करोड़ एसेस किया था। इस साल का जो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन है 23-24 का, उसमें इट इज 3,442 करोड़, दैट्स एन एनहांसमेंट ऑफ अबाउट 13% 12.7% कंपेयर टू 22-23। बोल लिया ना सर, बोला 88,000 रुपीज से बढ़ के 115,000 रुपए हुआ है, 27,000 रुपए 88,000 से 1,00,000 जो कि 30% ट्रांसलेट है। पिछले 6 साल में 30% का इंक्रीज हुआ है। अब ये कहना, देखिए ये ना रिलेटिव बिलो पॉवर्टी लाइन के फिगर्स हैं, उन सबको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में असिस्टेंस होता ही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जिसमें फ्री रेशन दिया जाता है। सो यू कैन से या एब्सोल्युटली पर कैपिटा इनकम में हर आदमी एवरेज इनकम 1,15,000 रुपये है। देखिए पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज, देखिए गवर्नमेंट ने जितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है पिछले 3 साल में वो आप फिगर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो सैलरी एंड वेजेस में करीब पिछले 2 साल में हर साल इजाफा होता है गवर्नमेंट। नो देखिए एम्प्लॉयमेंट में हमारा क्या है, हम तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बात करता है, उसको इनक्रेज करता है, जॉब सीकर से जॉब गिवर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट विच एवर सेक्टर इज नेसेसरी हम उसमें जो अगर क्रिएशन का दरकार हो वो करेगा, हम छोड़ेगा नहीं उसमें, तो उसमें भी जो प्रायोरिटी सेक्टर में राइट। और जैसे सर ने कहा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना में जो एलोकेशन 50 करोड़ रुपए था वो बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है, जिससे कि करीब 1,000 नए यूथ को असिस्ट किया जा सकेगा टू ओपन देयर वेंचर्स। डेफिसिट का बात, डेफिसिट के बारे में ले लिया, बता दिया 758.2 करोड़, और जो हमारा रेवेन्यू रिसीट्स हैं अगर आपको फिर रिपीट करना है सो 29,000 आप लोग लिख लें 29,657.16 करोड़, 29,657.16 करोड़ इज द रेवेन्यू रिसीट्स, द एक्सपेंडिचर इज पेग्ड एट 29,582.82 करोड़।
29,512 crores.